हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड इन इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन की हेल्प से ईमेल ऑटोमेशन कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं हाउ टू ईमेल ऑटोमेट यूजिंग पाइथन। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर करना क्या है, हमको गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है लेस सिक्योर ऐप। और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो जो पहली वेबसाइट खुलेगी ना, उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखना है अलो लेस सिक्योर ऐप्स ऑन। तो इसको हमको क्या करना है, ऑन कर देना है। इससे होगा क्या, इसने हमको थर्ड पार्टी एक्सेस दे देना है हमारे पाइथन के प्रोग्राम को। डैट मीन्स हम अपने पाइथन के प्रोग्राम से हम एक्सेस कर पाएंगे अपने जीमेल को और ईमेल सेंड कर पाएंगे। तो दोस्तों, आ गए हम अपने बीएससी कोड पे और चलिए देखते हैं पाइथन की हेल्प से ईमेल कैसे भेजना है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें सिर्फ एक मॉड्यूल इम्पोर्ट करना है। मॉड्यूल हमने देखा था, मैंने आपको बताया था अपने पाइथन के ट्यूटोरियल में कि मॉड्यूल क्या होते हैं। तो चलिए इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट एसएमटीपी लिब एसएस। ये क्या हुआ, सॉरी एस है यहाँ पर, ये क्या हुआ, हमने यहाँ पर एसएमटीपी लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। ये क्या हुआ, एसएमटीपी क्या होता है, एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट डाल के, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इससे होता क्या है, इसे हम ईमेल सेंड करने के काम आता है ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी लिब। लिब क्या है, लाइब्रेरी, ठीक है ना। हमने एस के थ्रू हमने इसको कर लिया है इंपोर्ट। तो चलिए दोस्तों, अब बनाते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। यहाँ पर हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट और कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट ही ले लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ओ बी जे ले लिया, कुछ भी ले लेते हैं। चलो ओ बी जे ले लेते हैं और एस डॉट हम लिखेंगे एसएमटीपी, यानी एसएमटीपी लिब डॉट एसएमटीपी। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एसएमटीपी डॉट जीमेल डॉट कॉम। ये क्या हुआ, जैसे हम देते हैं ना एचटीटीपी, यहाँ पर हम देते हैं HTTP। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आया HTTP। तो इसने क्या किया, इसने HTTP ना देकर लिया है smtp.gmail.com, ठीक है ना। ये उसका एड्रेस है और यहाँ पर आएगा उसका पोर्ट, उसका पोर्ट होता है 587, ये है जीमेल का पोर्ट। तो इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से ये भेजेगा मेल, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर बनाते हैं लॉगिन का, यहाँ पर बनाएंगे लॉगिन। तो लॉगिन कैसे करना है, यहाँ पर हमको लिखना है ऑब्जेक्ट, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ना, ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पर होगा लॉगिन। लॉगिन लिया और उसमें हमने क्या देना है, अपना ईमेल एंड पासवर्ड देना है। अपना ईमेल एंड पासवर्ड कैसे देंगे, ईमेल हम देंगे, जैसे मैं अपना दे देता हूँ kumardigambarjha@gmail.com, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पर हम देंगे अपना पासवर्ड, तो पासवर्ड देंगे हम, तो दोस्तों यहाँ पर हमने दे दिया है अपना ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है, हमने लॉगिन कर लिया है अपने। अब हम देखते हैं इसको क्रिएट कैसे करना है मैसेज को। मैसेज को क्रिएट करने के लिए, क्रिएट मैसेज करने के लिए यहाँ पर हम बनाएंगे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर दिस इज अ सब्जेक्ट और यहाँ पे लिखेंगे बॉडी,
बॉडी। तो यहाँ पे लिखते हैं दिस इज अ बॉडी फॉर टेस्टिंग दिस प्रोग्राम, ठीक है ना। अब दोस्तों अब हमको करना क्या है, यहाँ ये बनाया हमने सब्जेक्ट और ये बनाया बॉडी, तो अब इसको शो भी कराना पड़ेगा ना हमारे मैसेज में। तो यहाँ पर लिखते हैं मैसेज, मैसेज लिखेंगे। हमने देखा था क्या होते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, तो यहाँ पर हम लेंगे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ठीक है ना दोस्तों। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिया हमने और यहाँ पर डाला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लेंगे और हम देखते हैं ना सब्जेक्ट कैसे लिखा होता है। ईमेल का जो कोई मैसेज आता है ऊपर सब्जेक्ट लिखते हैं और नीचे बॉडी होता है, तो यहाँ पर हम देंगे सब्जेक्ट जो ये है, ये हमने दे दिया यहाँ पर, सब्जेक्ट को यहाँ पर पास कर लिया। और यहाँ पर लेते हैं \n\n, ठीक है ना दोस्तों। और अब यहाँ पर हम देंगे क्या, यहाँ पर देंगे हम बॉडी, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर हमने दिया इसकी बॉडी, तो अब बॉडी हमने यहाँ पर मैसेज बना लिया। अब हम देखेंगे कि इसको भेजना कैसे है। हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट सेंड मेल, ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है उसका, और लिखेंगे सेंड मेल, यानी मेल जो है उसको सेंड कर दो। यहाँ पर हम लिखते हैं बनाते हैं सेंडिंग मेल, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या भेजेंगे, यहाँ पर लेंगे हम अपना आईडी, जैसे हमने लिया कुमार दिगंबर जॉ @gmail.com, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पर लेंगे किसको भेजना है, तो किसको भेजना है यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने पास क्या करना है, हमने जो यहाँ पर मैसेज बनाया ना, जो ये मैसेज बनाया हमने, तो ये यहाँ पर पास कर देना है ताकि हमारा मैसेज डिलीवर हो जाए। और मैसेज पास हो गया तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे प्रिंट मैसेज सेंड सक्सेसफुली, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करना है, यहाँ पर हमको आना है और लिखेंगे, और जो ऑब्जेक्ट बनाया था ना हमने, ऑब्जेक्ट डॉट क्विट, क्विट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कनेक्शन नहीं दिया इसको, यहाँ पर इसको कनेक्ट तो कर लिया है बट यहाँ पर हमने इसको सिक्योरिटी लेवल नहीं प्रोवाइड की है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम देंगे इसको कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, कनेक्शन किस चीज़ का, सिक्योरिटी का। तो बिना सिक्योरिटी के ये रन नहीं होगा, तो ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने जो बनाया था ना ऑब्जेक्ट डॉट, हमने बनाया था स्टार्ट TLS। ये TLS क्या होता है दोस्तों, ये जो TLS है ना, TLS होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये क्या होता है, ये जब हम सेंड करते हैं ना किसी मैसेज को, तो ये उसको सिक्योर करने के काम आता है। तो आप देखना क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या आया, मैसेज सेंड सक्सेसफुली। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये मैसेज हो चुका है सेंड, इसको हम करते हैं ओपन, और देखिए दोस्तों ये आया, हमारे पास ये सब्जेक्ट था ना, दिस इज अ सब्जेक्ट एंड दिस इज अ बॉडी फॉर टेस्टिंग। तो दोस्तों ये था हमारे पास, तो दोस्तों ऐसे करते हैं हम सेंड, ठीक है ना। तो दोस्तों आज हमने देखा पाइथन की हेल्प से ईमेल कैसे सेंड करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।